और उसके ठोकर मारने के कारण आप जब उस पर सफ़र करते हैं, जब उसके ऊपर मूव करती है ट्रेन और हाई स्पीड में मूव करेगी तो खट खट की आवाज़ आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीएम झा और आज सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर रोज हर सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले दिन फिर अगले ब्लॉग के लेकर और फिर देखते हैं आज पूरी दिन हम क्या करते हैं। चलेंगे कहीं कुछ काम में, हर रोज कुछ ना कुछ काम रहता है, आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आज दिन भर हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। चलिए आज चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे TWS का क्या क्या वर्क हुआ। कल तो हम लोगों ने मार्किंग देके आई थी, आज के वर्क में हम लोग अभी चेक करेंगे, फिर हो सकता है तो उसके रॉडिंग वगैरह कनेक्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े दे रहिए। फाइनली हम पहुँच गए अपने संतालडी स्टेशन में और यहीं पे चल रहा है काम, जिसको मुझे देखना है, सर्टिफाई करना है, उसके बाद फिर उस पर काम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं काम कहाँ तक किया है और उसमें क्या क्या मार्किंग करना है, होल करना है, क्या क्या नट बोल्टू कहाँ कहाँ लगेंगे, स्ट्रेचर बार, बॉन्डिंग, रॉडिंग वगैरह कहाँ कहाँ फिक्स होंगे। पहली बार TWS लगा रहे हैं हम अपने यहाँ, IRS बदल के। इंडियन रेलवे में बहुत जगह पहले भी लग चुकी है लेकिन मैं पहली बार लगा रहा हूँ अपने सेक्शन में, अपने स्टेशन में। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको फिटिंग करने के लिए क्या जाए। बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि हम आएंगे तो उसको फाइनलाइज करेंगे। हाँ, यहाँ पर ही परमानेंट होल होना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारे मटेरियल को ला के रख दिया गया है और पिछले दिन हम यहीं पे इसके होल की कुछ जो मैनुअल के हिसाब से मार्किंग है वो दे के भी गए थे। अब आज देखेंगे कि हमने जो मैनुअल के हिसाब से मार्किंग दिया है प्रैक्टिकली वो सारा सही है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो उसको हमको चेक करके रेक्टिफाई करना है। ये पॉइंट हमारा हाई थ्रस्ट 220 mm स्ट्रोक वाली है, यानी इसकी जो स्ट्रोक है ड्राइविंग रॉड की वो 220 mm है और ये जो पॉइंट है ये इंजीनियरिंग की स्विच असेंबली है। ऑलमोस्ट ये पी ब्रैकेट हमारा सेम रहता है लेकिन बाकी जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस लग वगैरह थोड़े डिफरेंट है। अभी हम देख लेंगे कहाँ कैसे लगाना है। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्विच, इसका नाम है थिक वेव स्विच। आप देख पा रहे हैं कितना मोटा है, ऑलमोस्ट ये बहुत मोटा स्विच है। और इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे, जो हमारा नॉर्मल स्विच रेल से भी आपको हम कंपेयर करके दिखाएंगे, वो यहाँ पे जब भी गाड़ी आती है तो यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन में ठोकर मार के जाती है और उसके ठोकर मारने के कारण आप जब उस पर सफ़र करते हैं, जब उसके ऊपर मूव करती है ट्रेन और हाई स्पीड में मूव करेगी तो खट खट की आवाज़ लगेगी। इंडियन रेलवे का अभी एक सिचुएशन है कि वो ट्रेन के मूवमेंट को स्मूथ बनाए और वो इतना स्मूथ हो कि जर्कलेस, ट्रेन की मूवमेंट को जर्कलेस, यानी कि जो पैसेंजर्स है उसको जर्क नहीं महसूस होना चाहिए। तो ये इसकी डिज़ाइन है कि टो के ऊपर में जो रेल आएगी उसकी फ्लेंज यहाँ टो के ऊपर में चढ़ेगी नहीं, वो जब भी आएगा 150 mm यहाँ पे आने के बाद टो हिट करेगा स्विच रेल को। ये जो पतली वाली रेल है वो स्विच रेल है, तो स्विच रेल को जब 150 mm पे हिट करेगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ना तो जर्क महसूस होगा। अब हम देखते हैं हमारी पुरानी वाली रेल को। जो पुरानी वाली स्विच रेल है, पुरानी वाली स्विच रेल को आप देखेंगे, एक तो उसका थिकनेस उसका 50% है, यानी जो थिकनेस आपकी TWS का है उसके कंपेयर में इसका थिकनेस आप देखिए, ये पुरानी वाली है, ये उसका थिकनेस उससे 50% है। प्लस ये जब सेट होती है इसमें, इस इंड में मैं आपको दिखाऊँ तो इस इंड में यहाँ पर ऊपर तक है। इस चक्कर में क्या है कि जब भी कोई व्हील आएगी, कोई ट्रेन के मूवमेंट इधर से होगी तो यहाँ पर हिट करता है, हिट करने के कारण जर्क महसूस होती है पैसेंजर को। तो यहाँ पर फेसिंग पॉइंट में अगर वो भी नॉर्मल मूवमेंट है, स्ट्रेट टंग है, तो हाई परमिशिबल स्पीड, जो मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड है वो प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर ये टर्न आउट है, जैसे आप देख रहे हैं
यहाँ से सीधा देखिएगा तो एक सीधी चली गई है और दूसरी टर्न लेफ्ट साइड टर्न हुई है। अगर ये टर्न आउट है तो जब लेफ्ट साउट टर्न आउट जाएगा तो इस पर स्पीड रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है 30 km/h। 30 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड में आप इसमें ट्रेन नहीं चला सकते हैं। लेकिन जब आप उसी में यहाँ पे TWS लग जाएगा, वो वाली पॉइंट लग जाएगी, तो यहाँ पर हम टर्न आउट में भी 50 किलोमीटर के पर स्पीड से ट्रेन को लेके जा सकते हैं। तो जब आप स्पीड बढ़ जाएगी यानी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो जर्क महसूस होती है पैसेंजर्स को वो जर्क भी महसूस नहीं होगा और पॉइंट रिलायबल हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो डिफरेंसेस हैं, इसमें एक दो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये 4 इसके अंदर में यहाँ पे स्ट्रेचर बार हैं। चारों स्ट्रेचर बार, आप जितने स्ट्रेचर बार लगाएंगे, सारे स्ट्रेचर बार की नीचे की पोर्शन आप देख सकते हैं, ये जो रेल के साथ जुड़ी हुई है ये पोर्शन से इसके अंदर में वियर एंड टीयर आने की संभावना है। 1.5 to 5 mm के बीच में क्लियरेंस अरेंजमेंट मेंटेन करना है। इतने सारे चेयर प्लेट्स में पीछे आप देखेंगे स्टॉक रेल के पीछे में ये सारे हाफ थ्रेडेड बोल्ट लगे रहते हैं। ये जितने हाफ थ्रेडेड बोल्ट लगे हुए हैं वो सारे हाफ थ्रेडेड बोल्ट को मेंटेन करना है। तो इससे क्या है कि जिस भी गियर में जितनी मेंटेनेंस रहेगी उस पॉइंट का लाइफ उतना कम हो जाएगा, वियर एंड टीयर उतना अधिक होगा और रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो हर हमारी भी प्रायिकता है कि ट्रेन को हाई स्पीड ट्रेन बनाना है, बुलेट ट्रेन कैसे चलाना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि हम वहाँ पे पीछे हाफ थ्रेडेड बोल्ट जैसा लगाएं। प्लस इसके फिटिंग्स के नाम पे सिर्फ एक स्ट्रेचर बार लगेंगे यहाँ पे, जो पॉइंट वाली पोर्शन है। इसके पीछे यहाँ पे कोई भी स्ट्रेचर बार नहीं लगेंगे, इसके पीछे जितने भी हैं कोई स्ट्रेचर बार नहीं है, सिर्फ 13 और 14 नंबर स्लीपर पे। अभी स्लीपर कम लगाया गया है, सिर्फ जब 13 और 14 नंबर स्लीपर पे आएंगे यहाँ पे एक इक्विपमेंट रहेगा जिसका नाम है SS डेक स्विच सेटिंग डिवाइस। इसका काम है कि ये जो आप देख पाएंगे ये 13 नंबर स्लीपर आएगा, इसके आगे यहाँ पे 14 नंबर स्लीपर आएगा, 13 और 14 नंबर स्लीपर के बाद यहाँ से लेके वहाँ तक 16 स्लीपर तक हाउसिंग आ जाएगी इसमें, यानी 16 स्लीपर तक स्विच रेल और स्टॉक रेल आपस में सटा हुआ रहेगा। तो ट्रेन को स्पीड मूवमेंट में विदाउट एनी जर्क आसानी होगी, जो हमारे नॉर्मल पॉइंट में नहीं हो पाती है। नॉर्मल पॉइंट में 3 से 4 या 5 6 स्लीपर तक मिलता है, उसमें भी वो दो टाइप के हैं, 1 in 12 और 1 in 8.5, दोनों में डिफरेंट टाइप के हैं। स्ट्रेंथ कम है और हाई लोडेड ट्रेन, अभी तो लोड कैपेसिटी, ग्रॉस GMT, हाई स्पीड सब बढ़ाना है, तो ये सब के कारण में हमारा TWS परफेक्ट लग रहा है। तो चलिए आज TWS में इतना ही, बाकी अभी टेक्नीशियंस लोग आ रहे होंगे तो उन लोगों के साथ हम देखेंगे ये जितने अरेंजमेंट रखे हैं उसको कैसे सेट करते हैं, सेट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। सा हो गया, अब उसको सटाओ, जहाँ पे होल का मार्किंग दिए हैं वो मार्किंग के पास सटा कर रखो, रख दिया ना उसको, उधर उधर वाला भी सटाओ, उधर वाला, हाँ इधर से ऐसे जा, इधर से ऐसे जाएगा नीचे से और ऊपर से उधर वाला सपोर्ट हो, फसाओ जरा उधर, हाँ ऐसे मैच लगाओ एकदम सेंटर पे है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक। अच्छा वो लगाओ, ये तो खुलेगा ना, ऐसे फंसेगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल है फंसेगा, नहीं खुल के जाएगा नीचे से, ऐसे नहीं, तुम लोग उल्टा लगा दिए, नहीं नहीं नीचे, इसको नीचे सुलाओ, नीचे समझ गए, नीचे सुला के इसको घुसाओ, ये जो है घुसने के बाद उठा के सपोर्ट ऐसे फंसाओगे, ठीक से, ठीक से, हल्का सा घाटी होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, कैसा लगा हमारा ये सुबह का पहला एपिसोड बताइएगा जरूर। हमारा ये व्लॉग चैनल नया है, एक सोच परिकल्पना नई है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन फिर अगले ब्लॉग के लेकर।